नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। तेज तर्रार आईएएस अफसर प्रेम प्रकाश मीणा की पहचान एक ईमानदार और कड़क अफसर के तौर पर मानी जाती है। वे एक ऐसे अफसर हैं जिन्हें एसी वाले कमरे में बैठने की बजाय लोगों के बीच रहकर काम करना पसंद है। उनके काम करने का यही अंदाज इस बार उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में देखने को मिला। यहाँ वो बतौर एसडीएम तैनात है। हम 8 बीघे के दान सर, कल से लाख यहाँ पे रखे हुए, 4 दिन दौड़े सर, तुमको जाके टोकन मिला। ये आलोक चौबे हैं सर, फोन नहीं रिसीव कर रहे हैं सर। आपकी समस्या का भी समाधान हो जाएगा, इनके खिलाफ तो कार्रवाई हो ही रही है। यूपी के हाथरस और बस्ती जिले में काम कर चुके आईएएस प्रेम प्रकाश मीणा की इन दिनों चंदौली में पोस्टिंग है। जब से योगी सरकार ने उन्हें इस जिले में भेजा है, वो ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले जिला चंदौली के चकिया क्षेत्र के एक धान खरीद केंद्र से ये खबर आई कि सरकारी नुमाइंदों की वजह से किसान बेहद परेशान है। उन्हें ना तो टोकन दिया जा रहा है और ना ही धान की खरीद हो रही है। धान खरीद केंद्र से लगातार मिल रही शिकायतों के बाद चकिया एसडीएम प्रेम प्रकाश मीणा खुद ही औचक निरीक्षण के लिए पहुंच गए। फिर क्या था, खुद एसडीएम को सामने देखकर एक युवा किसान फूट फूट कर रोने लगा और लगा धान खरीद केंद्र के प्रभारी आलोक चौबे की शिकायत करने। 30 किलोमीटर दूर से आए इस किसान ने रो रोकर पूरी दास्तां बताई कि किस कदर ये सरकारी कर्मचारी किसानों को परेशान कर रहे हैं। हम जो है कि धान नहीं ले पाएंगे। हाँ। चाहिए, मेरे बाप अकेले हैं, पढ़ने वाले लड़के, हम 8 बीघे के धान सर कल से लाके यहाँ पे रखे हुए हैं। ये देखिए, हम 4 दिन दौड़े सर, तुमको जाके टोकन मिला, वो वहाँ लगाया गया था सर, पोस्टर खुले दरवाजे पे, हम उसको लाके यहाँ लगाए, वहाँ उसमें 10 बोरी धान भरा गया। ये देखिए लॉक है सर, जहाँ लोग फोन कर रहे हैं सुबह से, बोल रहे हैं नहीं लेंगे धान, नहीं लेंगे, इसके अंदर 10 बोरी धान है। जब हम टोकन लेने के लिए आए थे सर, तो उसी दिन ये 4 बोरी धान जो है कि कसा गया था, 15 क्विंटल, 10-12 बोरी होगा सर, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं हुआ है। ये आलोक चौबे हैं सर, फोन नहीं रिसीव कर रहे हैं सर, इनको नहीं लेना चाहिए सर, मेरा 10,000-12,000 पे लिखा है, मेरा किसान है मेरे बाप। रोते बिलखते किसान ने जैसे ही सरकारी धान खरीद केंद्र पर तैनात प्रभारी आलोक चौबे की पोल खोलनी शुरू की, खुद एसडीएम भी सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने तुरंत इस युवक के साथ साथ सभी किसानों को आश्वासन दिया कि पहले तो इस आरोपी प्रभारी आलोक चौबे के खिलाफ तुरंत कार्रवाई होगी, फिर उसके बाद जल्द ही धान खरीद केंद्र पर एक नए प्रभारी की तैनाती की जाएगी जो सभी किसानों के धान को खरीदेगा। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, इस प्रभारी के खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं और दूसरा प्रभारी अभी आधा घंटे में यहाँ पहुंच रहा है, आपका धान अभी तत्काल खरीदा जाए। जी सर, बताइए, हम लोग पढ़ते लिखते हैं सर, पैसे लेके बताइए। नहीं, इसीलिए तो हम, आपने जैसे शिकायत की, मैं खुद आया हूँ इसलिए। जी सर, आपकी समस्या का भी समाधान हो जाएगा, इनके खिलाफ तो कार्रवाई हो ही रही है। ठीक है, आप यहाँ पे सिर्फ आधा घंटा 40 मिनट बैठिए, प्रभारी आ रहा है, जितना भी आपका धान है या दूसरे किसानों का धान है आज ही खरीदा जाएगा, आपका भी धान यहाँ रखा होगा। नहीं सर, ये टोकन लेने के लिए 6 दिन से आ रहे हैं। हाँ, तो इस प्रभारी को हम बदलवा भी रहे हैं, कल से नया प्रभारी मिल रहा है, कल से पूरी तरह सुचारू हो जाएगा, इसका प्रभारी बदल दिया गया है, आदेश मैंने अभी कर दिया है, कोई भी दिक्कत है मुझे फोन करके बताइए, और जो जो यहाँ पे लोग खड़े हैं उनका भी धान अभी आधा घंटे में सारा खरीद लिया जाएगा। बेटा आधा घंटे में खरीद लिया जाएगा, मुझे फोन करके बता दे, मैं तत्काल करवाता, जैसे इन्होंने बताया मैंने इनसे यही कहा कि आप रुको, मैं खुद ही आ रहा हूँ। प्रेम प्रकाश मीणा के इस तत्काल एक्शन से गांव के किसान भी बेहद खुश नजर आए और उन्हें पूरा सहयोग करते नजर आए। एसडीएम ने जाते जाते रो रहे किसान से माफी भी मांगी और जल्द नए प्रभारी की तैनाती का आश्वासन भी दिया। नहीं सर, आप तो मौके पर आके बताएं सर, बिना खाए भी सर 30 किलोमीटर दूर से सर आए हैं, उधर हम उस झंझट छोड़ के आए, चले टोकन मिल गया, हम बेच के चले, मेरा सर एग्जाम है 9 तारीख से। चलो, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, आपको दिक्कत हुई, लेकिन आपका भी समाधान हो जाए। ठीक है, आधा घंटे में अगर नहीं आता है मुझे आप बताइए फोन करके, और आपका टोकन भी कल आपको मिल जाएगा। अभी नया प्रभारी आ रहा है, हो सकता है आज ही दे दे, लेकिन उसका अभी डीएससी नहीं लग रहा होगा, तो हो सकता है आपको कल बुलाए, आप भी थोड़ी देर रुक जाइए, हो सकता है आपका भी समाधान अभी। रुकेंगे हम जरूर। ठीक है, अभी करवा देने, एसडीएम प्रेम प्रकाश मीणा ने इस पूरे मामले की वीडियो शेयर करते हुए लिखा, धान क्रय केंद्र उर्सी सैदोपुर में टोकन ना मिलने और सुचारू रूप से नियमित खरीद ना होने की शिकायत मिलने पर औचक स्थलीय निरीक्षण किया,
दोनों ही शिकायतें एकदम सही, क्रय केंद्र प्रभारी का तत्काल निलंबन और वैकल्पिक व्यवस्था कार्रवाई की गई, जिससे टोकन और धान क्रय संबंधी समस्याओं का अविलंब निस्तारण हो सके। धान की खरीद पर कोई असर ना पड़े इसके लिए एसडीएम प्रेम प्रकाश मीणा ने तत्काल प्रभाव से नए केंद्र प्रभारी लवकुश यादव को नियुक्त कर उन्हें खरीद में पूरी पारदर्शिता बरतने की हिदायत दी। जॉइंट मजिस्ट्रेट की इस कार्रवाई के बाद केंद्र प्रभारियों में हड़कंप मचा हुआ है, जबकि वही नए केंद्र प्रभारी के आते ही क्रय केंद्र पर धान की खरीद भी शुरू हो गई है। एक किसान की शिकायत पर तुरंत धान खरीद केंद्र पहुंचकर एसडीएम प्रेम प्रकाश मीणा ने जिस तरह से एक्शन लिया, उस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। जो है कि धान नहीं ले पाएंगे। हाँ। चाहिए मेरे बाप अकेले हैं, पढ़ने वाले लड़के, हम 8 बीघे के धान सर कल से लाके यहाँ पे रखे हुए हैं। ये देखिए, हम 4 दिन दौड़े सर, तुमको जाके टोकन मिला, वो वहाँ लगाया गया था सर, पोस्टर खुले दरवाजे पे, हम उसको ला के यहाँ लगाए, वहाँ उसमें 10 बोरी धान भरा गया। ये देखिए लॉक है सर, जहाँ हम लोग फोन कर रहे हैं सुबह से, बोल रहे हैं नहीं लेंगे धान, नहीं लेंगे, इसके अंदर 10 बोरी धान है। जब हम टोकन लेने के लिए आए थे सर, तो उसी दिन ये 4 बोरी धान जो है कि कसा गया था, 15 क्विंटल, 10-12 बोरी होगा सर, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं हुआ है। ये आलोक चौबे है सर, फोन नहीं रिसीव कर रहे सर, इनको नहीं लेना चाहिए सर, मेरा 10,000-12,000 पे लिखा है, मेरा किसान है मेरे बाप। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, इस प्रभारी के खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं, और दूसरा प्रभारी अभी आधा घंटे में यहाँ पहुँच रहा है, आपका धान अभी तत्काल खरीदा जाए। जी सर, बताइए, हम लोग पढ़ते लिखते हैं सर, पैसे लेके बताइए, इसीलिए तो हम, आपने जैसे शिकायत की, मैं खुद आया हूँ इसलिए। जी सर, आपकी समस्या का भी समाधान हो जाएगा, इनके खिलाफ तो कार्रवाई हो ही रही है। ठीक है, आप यहाँ पे सिर्फ आधा घंटा 40 मिनट बैठिए, प्रभारी आ रहा है, जितना भी आपका धान है या दूसरे किसानों का धान है, आज ही खरीदा जाएगा, आपका भी धान यहाँ रखा होगा। नहीं सर, ये टोकन लेने के लिए 6 दिन से आ रहा है। हाँ, तो इस प्रभारी को हम बदलवा भी रहे हैं, कल से नया प्रभारी मिल रहा है, कम से कम मिल जाएगा, कल से पूरी तरह सुचारू हो जाएगा, इसका प्रभारी बदल दिया गया है, आदेश मैंने अभी कर दिया है, कोई भी दिक्कत है मुझे फोन करके बताइए, और जो जो यहाँ पे लोग खड़े हैं उनका भी धान अभी आधा घंटे में सारा खरीद लिया जाएगा। बेटा आधा घंटे में खरीद लिया जाएगा, मुझे फोन करके बता दे, मैं तत्काल करवाता, जैसे इन्होंने बताया मैंने इनसे यही कहा कि आप रुको, मैं खुद ही आ रहा हूँ। सर, आप तो मुझे पाके बताया सर, बिना खाए भी सर 30 किलोमीटर दूर से सर आए हैं, उधर हम उस झंझट छोड़ के आए, चले टोकन मिल गया, हम बेच के चले, मेरा सर एग्जाम है 9 तारीख से। चलो, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, आपको दिक्कत हुई, लेकिन आपका भी समाधान हो जाए। ठीक है, आधा घंटे में अगर नहीं आता है मुझे आप बताइए फोन कर, और आपका टोकन भी कल आपको मिल जाएगा, अभी नया प्रभारी आ रहा, हो सकता है आज ही दे दे, लेकिन उसका अभी डीएससी नहीं लग रहा होगा, तो हो सकता है आपको कल बुलाए, आप भी थोड़ी देर रुक जाइए, हो सकता है आपका भी समाधान अभी रुकेंगे हम जरूर। ठीक है, अभी करवा दे रहे, परेशान मत हो, समस्या का समाधान।